जो मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो ये टॉपिक क्या है मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो बेसिकली मल्टीपल प्रेगनेंसी हम लोग किसको बोलते हैं, तो बेसिकली एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ट्विंस हो गया, ट्रिपलेट हो गया, ट्रिपलेट हो गया, आगे आगे हो गया अपनी क्वाड्रिप्लेट्स हो गया, क्वाड्रिप्लेट्स। तो बेसिकली ये सब जो होती हैं, ये सब क्या होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। अब हम लोग देखते हैं जो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है उसमें हम लोग टाइप वेरिएशन देखते हैं। तो सबसे पहले एक होता है, सबसे पहले होता है DCDA, DCDA होता है, DCDA का मतलब होता है डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक। एक होता है अपना MCDA का मतलब होता है मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक। थर्ड होता है अपना MCMA, मतलब मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक। फोर्थ होता है अपना कंजॉइंट ट्विन। अब ये हो गया। तो बेसिकली DCDA का मतलब होता है क्या, DCDA का मतलब क्या होता है कि अभी सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं DCDA को। तो देखो थोड़ा वीडियो बड़ी होगी, तो पर अपन अपने को समझ के हम लोग सब देखेंगे इसमें। ये क्या हो रहा है, ये कैसा पेन है, सॉरी ये कम हो गया था। तो DCDA, तो बेसिकली जो DCDA होता है इसमें मतलब क्या होता है, DC मतलब डाइकोरियोनिक, मतलब इसमें कोरियन कितने होंगे, कोरियन दो कोरियन होंगे, और एमनियन कितने होंगे दो होंगे। तो कोरियन और एमनियन क्या होता है, बेसिकली मेम्ब्रेन होते हैं। आगे जो बाहर की तरफ होता है उसको हम लोग कोरियन बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं। ये होता है, तो कोरियन हो गया, तो उसको कोरियन का होता है दो होते हैं, तो ये कोरियन दो होते हैं, एमनियन दो होते हैं। ये हो गया, तो दो कोरियन का बेसिकली मतलब यही होता है कि प्लासेंटा कितने हैं, दो हैं। क्योंकि कोरियन कहाँ से निकलता है, प्लासेंटा से ही निकलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने जो कोरियन है कितने हैं, दो हैं। दो कोरियन का मतलब क्या, प्लासेंटा इसमें कितने हैं, दो प्लासेंटा है। और एक MCDA हो गया, MCDA मतलब और इसमें क्या होगा, हो सकता है जो यहाँ पे जो बेबी हो, जो अपना बेबी है, सेक्स यहाँ पे सेम भी हो सकता है, और यहाँ पे सेक्स जो होता है वो डिफरेंट भी हो सकता है। डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक में क्या क्या हो सकता है कि इसमें सेक्स सेम भी हो सकता है और सेक्स डिफरेंट भी रह सकता है इसमें। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, और फिजिकली जो होते हैं दोनों सिमिलर नहीं देते हैं, तो यहाँ पे सेक्स सेम भी हो सकता है, सेक्स डिफरेंट भी हो सकता है, और फिजिकली दोनों सिमिलर नहीं दिखते, हाइट उनकी ऐसा नहीं लगेगा कि सेम हाइट है, और ये भी है कि यहाँ पे सिबलिंग जैसा थोड़ा दिखते हैं पर। और MCDA का हम लोग देखते हैं, MCDA तो MCDA मतलब वन कोरियन होता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, MCDA में क्या होता है कि यहाँ पे सेक्स जो होता है सेम भी हो सकता है, सेम यहाँ पे सेक्स सेम होता है, क्योंकि मोनोकोरियोनिक है, तो इसमें सेक्स सेम होता है, और जो होता है फिजिकली सिमिलर होते हैं, और ये फिजिकली सिमिलर होते हैं। MCDA में क्या होता है, सेक्स सेम होता है और फिजिकली सिमिलर होते हैं। यहाँ पे सेक्स सेम और डिफरेंट भी हो सकता है, फिजिकली ये सिमिलर या डिफरेंट हो सकते हैं। पर MCDA में क्या होता है, MCDA में मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक, तो यहाँ पे सेक्स सेम होता है, फिजिकली दोनों सेम दिखते हैं। अब होता है अपना कंजॉइंट ट्विन का मतलब क्या होता है कि एक बच्चे का पार्ट उसका दूसरे बच्चे के पार्ट से जुड़ा हुआ मिलेगा, मतलब हो सकता है उसका जो है दोनों का हेड आपस में जुड़ जाए, दोनों का जो है अपन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक दोनों आपस में जुड़ जाए, चेस्ट आपस में जुड़ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजॉइंट ट्विन्स। तो ये अपने को देखने को मिलता भी है, तो ये हो गया। देन इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसका, और जब हम लोग देखते हैं तो एक होता है डाइजाइगोटिक ट्विन्स और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, डाइजाइगोटिक ट्विन्स का मतलब क्या होता है कि दो स्पर्म रहेंगे, टू स्पर्म प्लस टू ओवा
और इसमें एक ही वैरायटी दिखती है, कौन सी, DCDA, इसमें एक ही वैरायटी दिखती है, DCDA, ए हो गया, ए अपने को ध्यान रखने का है। अब उसके बाद दूसरा है अपना क्या, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, तो डाईजाइगोटिक ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है कि जो होता है जैसे स्पर्म ओवा, एक ही स्पर्म होता है, एक ही स्पर्म होता है प्लस एक ही ओवा होता है, अब ए मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो बेसिकली जब जाइगोट बन जाता है तो लेटर स्टेज में क्या होता है, लेटर स्टेज में जाके जाइगोट होता है, ब्रेक हो जाता है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इसको क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं अपने चार टाइप के, एक होता है DCDA, इसमें चारों वैरायटी मिलेगी, MCDA और MCMA और एक कंजॉइंट ट्विंस, तो इसमें चारों टाइप मिलेंगे, DCDA, MCMA और MCDA और कंजॉइंट ट्विंस, इसमें चारों मिलेंगी, ये अपने को ध्यान रखने का है। अब ध्यान क्या रखने का है, जो DCDA है, जो DCDA दोनों में है, पर जो कंजॉइंट, जो अपना डाईजाइगोटिक ट्विंस का DCDA है उसमें सेक्स जो होता है सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, पर जो MCDA है इसमें सेक्स हमेशा सेम होगा, सॉरी क्या बता रहा हूँ, जो अपना ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस का था, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का DCDA है इसमें सेक्स जो है ऑलवेज सेम रहेगा, इसमें सेक्स ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें सेक्स ऑलवेज सेम रहेगा, और मतलब या तो लड़की होगी या तो लड़का, लड़की होगी दोनों, या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़की होंगी, इसमें लड़का भी हो सकता है और एक लड़की हो सकती है, या तो दोनों लड़के लड़की हो सकती है या फिर दोनों लड़का लड़का हो सकते हैं, ये हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो जीन है वो डिफरेंट है और इसमें जो जीन होता है, इसमें जो जीन है मोनोजाइगोटिक ट्विंस का तो सेम है, तो ये अपने को अच्छे से ध्यान रखने का, इसमें यहाँ पे जीन का थोड़ा डिफरेंट होता है बस। अब ये हो गया, उसके बाद रिस्क फैक्टर, तो किसको रिस्क फैक्टर होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क फैक्टर किसको होता है, तो सबसे पहले नेग्रोज, तो जो नेग्रोज होते हैं उन पे होना है, सेकंड मैंगोस, जो मैंगोस होता है उन पे होना है, अगर किसी को प्रीवियस हिस्ट्री है मल्टीपल प्रेगनेंसी को उसको उसमें हो सकता है ये। फोर्थ किसमें होता है, इंक्रीज पैरिटी, तो किसी को अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो उसमें हो सकता है। चौथा इंक्रीज मैटरनल एज, इंक्रीज मैटरनल एज। छठवां असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कैसे होगा, हो सकता है दो ओवा गए हों और वहाँ पे उसको दो ऐसे बहुत, क्योंकि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, बहुत इसमें से बहुत ज़्यादा 3-4 ओवा वहाँ पे इंड्यूस करते हैं, तो मेनली कभी कभी तो एक ही फ्यूज होता है, पर कभी कभी क्या होता है दोनों दो ओवा फ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे, तो इसी के लिए वहाँ पे हो सकता है वो, तो वहाँ पे डाईजाइगोटिक ट्विंस वहाँ पे अपने को मिलते हैं, तो ए अपने को हो गया। देन इसके बाद इसका फेट क्या होगा, फेट ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब ये रिजल्ट क्या होगा, ये बच्चे का रिजल्ट क्या होगा, तो बेसिकली फेट ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या होगा, पहला तो होगा वनिशिंग फीटस, मतलब क्या कि मैंने क्या कराया, मैंने ट्विंस था, तो मैंने क्या कराया, सेवन वीक पे मैंने यूएसजी कराया, तो ट्विंस पाया, पर मैंने क्या किया कि 11-13 वीक में मैंने फिर से यूएसजी कराया, तो मैंने क्या पाया, इस बार वहाँ पे सिंगल बेबी है, और एक क्या हो गया, वनिश हो गया, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, पर इसको हम लोग बोलते हैं वनिशिंग फीटस। तो फर्स्ट होता है अपना वनिशिंग फीटस, फिर पहला फेट क्या है, वनिशिंग फीटस। दूसरा क्या होता है, फीटस पपेरिसियस। तो फीटस पपेरिसियस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि सपोज दो बच्चे हैं, ट्विंस हैं, तो एक क्या करता है, एक ग्रो कर जाता है और दूसरा क्या है कि उसको 7 वीक हो गया, 9 वीक से ज़्यादा हो गया, पर वो मरा नहीं है। हम लोग ने देखा वहाँ पे 11-12 वीक पे कि बच्चा वहाँ पे अभी भी दो प्रेगनेंसी है, तो हम लोग को क्या लगता है कि अब बाहर जो है दो ट्विंस आएंगे अच्छे खासे, पर क्या होता है कि एक जो होता है, एक का वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाता, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक का पपड़ी बन जाता है, तो मतलब एक दूसरा वाला जो है दूसरे का ग्रोथ करके ये वाला इसको दबा देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फीटस पपायरस। तो जब हम लोग निकालते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो एक जो होता है इससे चपटा हुआ निकलता है, तो दूसरा फेट हो गया फीटस पपायरस। तीसरा होता है दोनों ट्विंस प्रेगनेंसी आएगी, ट्विंस प्रेगनेंसी मतलब दोनों वेल बेबी होंगे, दोनों वेल नरिश होंगे, या तो एक थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है थोड़ा माल न्यूट्रिशन है, और एक क्या होगा अच्छा होगा, तो एक उसका होगा ट्विंस प्रेगनेंसी। तो फेट में क्या क्या हो गया, सबसे पहले वनिशिंग फीटस, फीटस पपायरिसियस, और तीसरा क्या हो गया, ट्विंस प्रेगनेंसी, तो ए हो गया अपना। अब मल्टीपल प्रेगनेंसी में हम लोग डायग्नोसिस कैसे बताएंगे,
तो मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में सबसे पहले डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे हम लोग, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एससीजी का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे ओमिटिंग जो होती है ज़्यादा होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं। इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, तो एक बार इसको हो सके तो देख लेगा। उसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन अगर फंडल हाइट देखेंगे, तो फंडल हाइट जो रहेगी वो पीरियड ऑफ जीस्टेशन से ज़्यादा रहेगी, तो फंडल हाइट जो रहेगी पीरियड ऑफ जीस्टेशन से ज़्यादा रहेगी, ये हो गया। और जो एब्डोमिनल गर्थ रहेगा, एब्डोमिनल गर्थ जो हम लोग टैप से मेजर करते हैं, वो भी क्या रहेगा, वो भी पीरियड ऑफ जीस्टेशन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वेट ऑफ लेडी, इसमें क्या होगा, वेट ऑफ लेडी ये क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज होगा, वेट ऑफ लेडी यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग को टू फीटल हार्ट साउंड मिलेंगे, टू फीटल हार्ट साउंड, क्यों, क्योंकि दो बच्चे हैं और 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हम लोग को टू फीटल हार्ट साउंड मिलेंगे, ये अपने को ध्यान रखने का, तो ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं, और उसके बाद कन्फर्मेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, कन्फर्मेशन हम लोग करते हैं यूएसजी से, तो हम लोग यूएसजी करा लेते हैं 9 to 11 वीक पे हम लोग क्या करते हैं, यूएसजी करा लेते हैं उस और यूएसजी हम लोग को कब कराना है, टाइम क्या होता है का, या तो हम लोग उसमें उसको हम लोग बेस्ट टाइम होता है 9 to 11 वीक में हम लोग उसको करा लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में कराते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे वैरायटी पता नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्लासेंटा फ्यूज हो जाते हैं। अभी मैं इसको बताता हूँ यहाँ पे कि सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे बताया, सपोज ए यहाँ पे एक बच्चा ए है और दूसरा बच्चा है, तो देखो ये यहाँ पे पता चल रहा है कि ये क्या है, अपना DCDA है, ये DCDA पता चल रहा है, और ये इसका क्या है, प्लासेंटा है, पर क्या होता है दूसरे में, क्या होता है प्लासेंटा अपना 3rd ट्राइमेस्टर में प्लासेंटा फ्यूज हो जाता है, तो ये कुछ ऐसे मिलता है यहाँ पे, ये कुछ ऐसे मिलता है अपने को ऐसे, तो देखो यहाँ पे जो थिकनेस है, ये देखो दो बच्चे के बीच का डिस्टेंस है, वो देखो बढ़ गया है, और यहाँ पे इसका कम हो चुका है, तो यहाँ पे कम है, तो दोनों, तो ये देखो ये अपना इसमें पता चल गया था DCDA है, पर इसमें पता नहीं चल पा रहा है, तो ये अपने को ध्यान रखने का है। तो यहाँ पे देखो मोर गैप है, और यहाँ पे अपने को लेस गैप दिख रहा है, तो इसलिए इसमें पता नहीं चलता, थर्ड ट्राइमेस्टर में पता नहीं चलता कि उसमें प्रेगनेंसी कैसा है वो। देन कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया, अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन, तो सबसे पहले हम लोग मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में तीन चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में देखो क्या क्या होगा, एक तो होगा हाइपर एमेसिस ग्रेविडम एंटीपार्टम, इसको हम लोग एंटीपार्टम बेसिकली बोलेंगे, और हाइपर एमेसिस ग्रेविडम होगा। इसके बाद यहाँ पे साइन ऑफ अनीमिया दिख सकता है वहाँ पे, और वहाँ पे हो सकता है एक्लेम्सिया दिख जाए अपने को, एक्लेम्सिया वहाँ पे दिख सकता है। एंटीपार्टम हिमरेज हो सकता है वहाँ पे, अब देखो यार, अभी ये सब एग्जाम बहुत ही आसान चीज़ है, क्यों उसको हो रहा है नोजिया वेटिंग, क्योंकि वहाँ पे एससीजी का लेवल बढ़ गया है, एपीएच क्यों हो रहा है उसको, एपीएच में उसमें प्रीविया हो सकता है, अब्रेप्सी हो सकता है, अभी मैंने जब प्रीविया बताया था एक वीडियो देखने का, क्योंकि क्या होता है डबल प्रेगनेंसी होती है, तो एक प्लासेंटा ऐसा नीचे की तरफ आता है, तो ये उसकी वजह से हो सकता है, तो ये हो गया। एक्लेम्सिया इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे तक ज़्यादा ब्लड पहुँचाना है, इसी के लिए जो है प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई वहाँ पे हार्ट ज़्यादा तेज़ी से कॉन्टैक्ट करता है, क्योंकि दो बच्चे हैं, और ये हो गया। उसके बाद मॉल प्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है, एक ब्रीच है और एक सिफैलिक प्रेजेंटेशन। तो अगर फर्स्ट बेबी का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है और सेकंड वाला बेबी जो होता है ब्रीच है, तब उस केस में क्या होता है, हम लोग नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान, पर अगर पहला वाला ब्रीच है और दूसरा वाला वर्टेक्स है, तो उसमें हम लोग नहीं कर सकते नॉर्मल, उसमें LSCS लगेगा। सिक्स क्या होगा इसमें कॉम्प्लिकेशन, प्री टर्म लेबर क्यों होगा,
क्योंकि साइज यूट्रस का तो उतना ही है पर बच्चे तो वो हैं, इसी के लिए वो पहले ही आ जाएगा। तो ये हो गया। सेवन में मैकेनिकल डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि ये जो अपना डायफ्राम होता है, सपोज ये अपना यूट्रस है तो यूट्रस बढ़ रहा है और ये डायफ्राम के ऊपर प्रेशर लगाता है, तो इसी वजह से इसको मैकेनिकल डिस्ट्रेस होता है। तो वहाँ पे डिस्निया वगैरह के सिम्टम मिलेंगे अपने को। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी। तो डिलीवरी के टाइम क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोलॉन्ग लेबर और मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है, मेम्ब्रेन रप्चर तो पीपीएच हो सकता है, प्रोलॉन्ग लेबर में इन्फेक्शन, मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है। और ड्यूरिंग पर्प्यूरियम क्या होगा, मतलब पर्प्यूरियम मतलब पोस्टपार्टम, तो पोस्टपार्टम में क्या होगा, तो पोस्टपार्टम में जैसे पीपीएच उसमें भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और लैक्टेशनल फेलियर हो सकता है। लैक्टेशनल फेलियर हो सकता है ड्यू टू, तो पीपीएस लैक्टेशनल फेलियर इन्फेक्शन, ये क्यों हो सकता है, ड्यू टू हार्मोनल इम्बेलेंस। अब हम लोग फीटल कॉम्प्लिकेशन पे देखते हैं। तो फीटल कॉम्प्लिकेशन हम लोग देखते हैं, फीटल कॉम्प्लिकेशन तो फीटल कॉम्प्लिकेशन में प्रॉब्लम में अभी देखा, एक तो वाइनिस दिखेगा, दूसरा क्या रहेगा, दूसरा फीटस पपायरियस, तीसरा क्या दिखेगा अपने को, हो सकता है वहाँ पे बेबी का लो बर्थ बेबी हो। चौथा क्या दिखेगा, लो बर्थ बेबी हो। चौथा अनोमली, वहाँ पे बच्चे में अनोमली कोई मिल सकती है वहाँ पे। उसके बाद हम लोग को वहाँ पे डिसकोऑर्डिनेट ट्विन का मतलब एक बच्चा जो है कम वेट का है और एक ज़्यादा वेट का है। क्यों, क्योंकि एक का प्लासेंटा हो सकता है छोटा और एक का प्लासेंटा वहाँ पे बड़ा हो, तो इसकी वजह से हो सकता है ये। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं एंटीनेटल केयर, ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट, तो इसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं प्रेजेंटेशन, तो अगर प्रेजेंटेशन बेसिकली देते हैं, प्रेजेंटेशन क्या है, वो वजाइनल हम लोग देखेंगे। वजाइनल कब करेंगे, जब फर्स्ट ट्विन जो होता है उसी फैलिक प्रेजेंटेशन होता है। फर्स्ट ट्विन का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो अभी सर इसको मैं अच्छा लिख के बताता हूँ तो ज़्यादा समझेगा। और हम लोग फर्स्ट ट्विंग किसको कहते हैं, बेसिकली जो इंटरनल लॉस के पास में होता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्विंग्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट ट्विंग्स यहाँ पे, सेकंड ट्विंग्स। तो फर्स्ट ट्विंग मतलब पहला बच्चा जो है, एक वर्टेक्स हो, ए बी वर्टेक्स हो, एक ट्रांसवर्स है और ब्रिज प्रेजेंटेशन है। तो सपोज ये दूसरा वाला वर्टेक्स है, तो इसमें तो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो क्या मिलेगा, इसमें हम लोग नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं, या तो पहला वर्टेक्स और दूसरा ब्रिज है इसमें भी नॉर्मल हम लोग कर सकते हैं नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। अगर ट्रांसवर्स और दूसरा ये वर्टेक्स और ब्रिज भी हो सकता है, और ये भी वर्टेक्स और ये ब्रिज भी, ये क्या है, वर्टेक्स और ब्रिज भी हो सकता है ये। तो इस ये दोनों में क्या रहेगा, ये दोनों में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीजेरियन के लिए जाना पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर जो लेडी है तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे, या फिर फीटल कॉम्प्लिकेशन है वहाँ पे, जैसे प्री इक्लेम्सिया हुआ है वहाँ पे, इक्लेम्सिया के सिम्टम अपने को दिख रहे हैं, या फिर डिसकोऑर्डिनेट ट्विन्स हम लोग को पता लग रहा है कि डिसकोऑर्डिनेट ट्विन्स हैं, तो उस केस में हम लोग सीजेरियन सेक्शन कर देखें। और प्लासेंटा डिलीवरी कब करते हैं, ओनली आफ्टर द एक्सट्रक्शन ऑफ द सेकेंड फीटस, ये अपने को ध्यान रखने का है। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, देन यहाँ पे हम लोग को उसमें हम लोग को हार्ट रेट मॉनिटर हम लोग करना पड़ता है। हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं हम लोग को दो फीटर का अलग अलग। उसके बाद क्रॉस मैचिंग कराते हैं, ब्लड क्रॉस मैचिंग कराते हैं। उसके बाद एपिजियोटोमी हम लोग अगर देते हैं तो एपिजियोटोमी थोड़ी सी बिग देते हैं हम लोग वहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉर्ड क्लाइम, तो कॉर्ड क्लाइम जो हम लोग करते हैं, टू कॉर्ड क्लाइम करते हैं फॉर वन बेबी, तो वन बेबी के लिए हम लोग वहाँ पे टू कॉर्ड क्लाइम करते हैं। तो ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेप, तो प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है डिलीवरी ऑफ सेकंड ट्विन्स में। तो नॉर्मली तो फर्स्ट वर्टेक्स था तो उसका हो गया डिलीवरी, पर सेकंड ट्विन में क्या क्या आ सकती है,
सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा हम लोग को कि कंफर्म प्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड ड्यूंस का प्रेजेंटेशन क्या है ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेकेंड हम लोग कंफर्म करेंगे फीटल हार्ट रेट ऑफ सेकेंड ड्यून, ये देखेंगे थोड़ा सा हम लोग। उसके बाद एमनियोटिक सैक का हम लोग रैप्चर कर देंगे, एमनियोटिक सैक को हम लोग रैप्चर कर देते हैं। क्यों रैप्चर करते हैं? फॉर इंटरनल रोटेशन। ये बेसिकली इंटरनल रोटेशन हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग का सेकंड वाला जो ब्रीच है उसको हम लोग वर्टेक्स में लाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग को एमनियोटिक सैक वहाँ पे रैप्चर करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो ये भर गया पता ही नहीं चला, तो और हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूज़न देते हैं वहाँ पे 5 यूनिट हम लोग ऑक्सीटोसिन देते हैं इन 500 ml ENS में। ये हो गया, तो ये हो गया मतलब धीरे धीरे इसको हम लोग देते हैं। और टू कॉर्ड क्लैम्प हम लोग करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं टू कॉर्ड क्लैम्प करते हैं फॉर वन बीवी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग सपोज प्री टर्म में वहाँ पे सिम्टम दिखेगा तो हम लोग वहाँ पे सर्फेक्टेंट इंडक्शन भी कर सकते हैं, सर्फेक्टेंट इंडक्शन वो वहाँ पर डेक्सामेथासोन या फिर बीटा मेथासोन से हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया, देन इसके बाद हम लोग पोस्ट डिलीवरी के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। पोस्ट डिलीवरी के बाद इसको हम लोग 2 आवर तक मॉनिटर करेंगे। तो होप ये थोड़ा बहुत समझा होगा। तो अगर यहाँ पे 30 से 40% भी अगर समझा है तो ठीक है, क्योंकि मैंने इसको फटाफट वीडियो बना दिया है। तो अगर इसका रहेगा तो आगे भी हम लोग इसका वीडियो अच्छे से डालेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मल्टीपल प्रेगनेंसी।